मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की मांग लगातार जारी है। इसको लेकर अतिथि विद्वान द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के चुनाव क्षेत्र इंदौर से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कोतमा महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने भी हिस्सा लेते हुए महाविद्यालय में पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अपनी इस मांग को लेकर अनूपपुर जिले के शासकीय महाराज मार्तंड महाविद्यालय कोतमा के सभी अतिथि विद्वान 10 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिलेगा। हम लोग ये जो कमलनाथ जी की सरकार आई है कांग्रेस की, इसने हमें वचन पत्र में लिख कर दिया था 17.22 में कि ये अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे या नियमित करने की कोई पॉलिसी ऐसे निकालेंगे। और चूंकि हमारे साथी 18, 19 वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके जीवन के साथ ये बहुत घोर अंधकार हो रहा है कि उनकी जगह पर पीएससी सिलेक्टेड लोग आ जाएंगे और वो बाहर हो जाएंगे, किस तरह से वो अपने जीवन को यापित करेंगे, किस तरह से आगे अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, इस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार का ध्यान अपने वचन पत्र को पूरा करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे सभी साथी भोपाल जा चुके हैं हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये। और हम लोगों ने भी जो यहाँ पर हैं और अब जाएंगे, हम भी कल परसों में हम लोग भी निकलेंगे, तो हम लोग कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं कि हम सब बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बना रहे हैं और हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है। तो सरकार से निवेदन करते हुए और अपनी व्यथा को प्रदर्शित करने के लिए हम अनिश्चित काल तक कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और जैसे हमारे साथी आगे चलकर और बताएंगे आएंगे कि अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं या सरकार हमारे पक्ष में कुछ फैसला लेती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद हो जाएगी और हम पुनः महाविद्यालय आ जाएंगे। हम लोगों का मुद्दा है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने जो नियमितीकरण का हमें वचन पत्र दिया था, जो वचन पत्र 17.22 का था, उन पर उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। और सभी साथी लोगों का ये हम लोग का आग्रह है कि जो वचन पत्र के अनुसार जो नियमितीकरण का उन्होंने वचन दिया था उसको पूरा न करते आज हम लोग सब आंदोलन पर उतर आए। हम लोग सामूहिक मध्य प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में जितने भी अतिथि विद्वान कार्यरत हैं उन्होंने सब ने सामूहिक रूप से इंदौर से लेकर भोपाल तक पद यात्रा कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। यहाँ तक कि हमारी महिला साथी लोग भी जिनके बच्चे छोटे छोटे अपने परिवार की उन्होंने जिम्मेदारियों को छोड़ के अपने अधिकारों को लड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा, इसके लिए हम लोगों ने सामूहिक हड़ताल की है और ये अनिश्चितकालीन है। जैसा कि हम लोगों को जो भी इसके चीज़ें अगर हम लोग को इसके अंतर्गत अगर अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं तो हम लोग पुनः आके अपनी क्लासों को चलाएंगे और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल ये चलती रहेगी और अपनी मांगों के लिए जब तक हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठ जाता हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। मैडम कोतमा कॉलेज में कितने विद्वान कितने लोग होंगे? हमारे कॉलेज में पूरे 15 अतिथि विद्वान हैं जिसमें से केवल 3 रेगुलर प्रोफेसर हैं और पूरा कॉलेज अतिथि विद्वानों की जिम्मेदारी पे चल रहा है। अगर अतिथि विद्वान ना हो तो यहाँ पे क्लासेस नहीं होगी। इनमें से बच्चों से पूछ लीजिए कि हम लोगों ने इनको क्या शिक्षा दी है। हम लोग प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, अपना पूरा दायित्व निभाते हैं जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों का कोई भी असर मध्य प्रदेश शासन को नहीं दिख रहा है। कोई क्लास नहीं लग रहा और जो अतिथि टीचर थे हम लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और जो है क्लास तो किसी क्लास नहीं लग रहा हम लोग का कोई सब्जेक्ट का। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, सभी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं तो हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो उनकी मांगों को जल्दी जल्दी से पूरी करी जाए और उनको नियमित कर दी जाए जिससे हमारी पढ़ाई अच्छे से चले। JSR टाइम्स के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट।